Subscribe to Digi Bate channel and press the bell icon for latest videos and all the updates. नमस्कार दोस्तों, डिजी बाते से मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका और लाया हूं आज की लेटेस्ट बज न्यूज। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है आज की लेटेस्ट अपडेटेड बज न्यूज। तो आज का जो पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है Vivo V9 के लीक को लेकर के, और इसके लॉन्च के पहले ही इसकी स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है। जो इसकी स्पेसिफिकेशन लीक होकर सामने आई है वो आई है कि इसमें 6.3 इंच का एक डिस्प्ले लगा होगा जो कि बिल्कुल आईफोन X जैसा दिखता होगा, और इसमें 9:9 एस्पेक्ट रेशियो का ये स्क्रीन होगा जिसकी की रेजोल्यूशन होगा 2280x1080 का। साथ ही दोस्तों इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का कवरिंग भी लगा होगा इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों तो इसमें फ्रंट टच OS होगा जो कि कंपनी का अपना खुद का OS है, एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे बेस्ड होगा ये। इसमें जो प्रोसेसर लगा होगा दोस्तों वो होगा Qualcomm Snapdragon 626 का प्रोसेसर लगा होगा। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके रैम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 4GB का रैम लगा होगा और 64GB का इंटरनल स्टोरेज होगा। इसमें जो कैमरा लगा होगा दोस्तों वो होगा ड्यूअल सेटअप कैमरा होगा जिसमें कि 16 MP और 5 MP के दो कैमरे आपको वर्टिकली लगे हुए दिख जाएंगे। अगर दोस्तों मैं आपको इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बताऊं तो इसमें आपको जो फ्रंट का कैमरा लगा होगा वो होगा 24 MP का, क्योंकि ये सेल्फी सेंट्रिक कैमरा है, इस वजह से इसमें 24 MP का सेल्फी कैमरा लगा होगा जिसका कि अपर्चर होगा f2.0 का। और इसमें साथ ही दोस्तों आपको मिल जाने वाला है AI फेस ब्यूटी वीडियो, AR स्टिकर, जेंडर डिटेक्शन और इस तरह के कई सारे दूसरे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें दोस्तों लगी होगी 3260 mAh की बैटरी। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो इसमें जो निकल के लीक आया है उसमें आपको इसमें 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाएगा, 3G वाईफाई ब्लूटूथ GPS सभी तरह के इसमें सपोर्ट आपको मिल जाने वाले हैं। इसमें डुअल सिम का फोन होगा ये, और इसमें जो कलर होंगे वो होंगे दो, जो एक पहला कलर होगा वो होगा पर्ल ब्लैक और दूसरा कलर होगा वो होगा गोल्ड का। तो यही स्पेसिफिकेशन दोस्तों लीक होकर सामने आई है, देखते हैं ये कितनी सही होती है या कितनी गलत, ये तो पता चलेगा आने वाले 26 मार्च को ही। ये दोस्तों वार ये इन्फिनिक्स मोबाइल हॉट S3 की तरफ से, और इस फोन में जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा फेस अनलॉक फीचर का। अब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इस फोन में आपको 5.6 इंचेस का HD+18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक टच स्क्रीन होगा, साथ ही इसमें 13 MP का रियर कैमरा होगा, 20 MP का फ्रंट कैमरा होगा, और जो इसमें प्रोसेसर लगा होगा वो होगा स्नैपड्रैगन 430 का। जो इसमें आपको रैम वेरिएंट्स मिलते हैं वो है 3GB और 4GB का, जिसके साथ आपको 32GB और 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है। साथ ही आप इसमें 128GB का माइक्रो SD कार्ड लगा करके इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसमें जो आपको कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल रहे हैं उसमें आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई है, 3.5 mm हेडफोन जैक है और ब्लूटूथ 4.2 का इसमें सपोर्ट है। साथ ही इसमें कई तरह के सेंसर्स भी लगे हुए हैं जैसे एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और भी बहुत कुछ। साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है जो कि पीछे की तरफ कैमरे के नीचे लगा हुआ है। दोस्तों वो है रास्पबेरी पाई की, और रास्पबेरी पाई का मॉडल रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी प्लस लॉन्च हो गया है, और ये एक अपडेटेड वर्जन है रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी का। इसमें जो आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं उसमें है आपको 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलने वाला है और डुअल बैंड वाईफाई मिलने वाला है। तो यही थे इसके सारे नए अपग्रेड्स जो कि रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी से एक स्टेप अप हैं। लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुई है, जो पहले मिलता था पाई 3 मॉडल बी उसी प्राइस में ये भी आपको मिलने वाला है। अगला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है गूगल असिस्टेंट का, और गूगल असिस्टेंट में अब है गूगल कहने के बजाय अब आप कहिए नमस्ते गूगल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब गूगल ने रोल आउट कर दिया है इसका हिंदी वर्जन सपोर्टेड भी, और ये रोल आउट होना शुरू हो गया है मार्शमेलो 6 या उससे ऊपर के वर्जन के फोन्स में। बहुत जल्दी ही ये दूसरे फोन्स या और दूसरे सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आना शुरू हो जाएगा जैसे कि आईफोन वगैरह में।
तो देखते हैं दोस्तों ये कैसा काम करता है। रिपोर्ट आ रही है दोस्तों वो है ओपन सिग्नल की तरफ से एक रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि नवी मुंबई है इंडिया का एकमात्र ऐसा शहर जहां पे आपको 4G की सबसे ज्यादा स्पीड मिलती है और जो कि है 8.72 Mbps की। दूसरे नंबर पे चेन्नई रहा जिसकी की स्पीड आई है 8.52 Mbps की। और सबसे आखिरी रहा है वो है इलाहाबाद, जिसमें आपको स्पीड मिलती है 3.5 Mbps की। और ये इकलौता ऐसा शहर है जहां पे 4 Mbps से कम की स्पीड प्रोवाइड होती है 4G नेटवर्क पर। तो देख लीजिए दोस्तों कंपनियां किस तरह से पैसा लेती हैं पर आपको स्पीड नहीं प्रोवाइड करती हैं। 4G के नाम पर भी हमें मिल रहा है 8.72 Mbps की एवरेज स्पीड। दोस्तों वो है एसर का, और एसर ने लॉन्च कर दिया है अपना स्विफ्ट 5 लैपटॉप, और जो इसका प्राइस निकल के सामने आया है दोस्तों वो है 80,000 रूपए। चलिए मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में फटाफट से जानकारी दे देता हूँ। इसमें आपको मिल जाएगा 14 इंच का HD डिस्प्ले IPS प्रो के साथ में। साथ ही इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो है 4670 mAh की बैटरी, जो कि आराम से आपको 8 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर देगी। जो इसमें रैम लगी हुई है वो है 8GB की DDR4 रैम लगी हुई है, और जिसमें आपको 512GB का SSD स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाने वाला है। जो इसमें आपको प्रोसेसर लगे हुए मिलेंगे वो है 8th जनरेशन के i5 या i7 प्रोसेसर, जो भी आप चूज करें। साथ ही दोस्तों अगर मैं आपको इसके बताऊं कि इसमें क्या और एक्स्ट्रा फीचर लगा हुआ है, तो उसमें आपको मिल जाने वाला है कि विंडोज हेलो फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, और साथ में आपको इसमें मिलने वाला है एक USB टाइप सी पोर्ट 3.1 वाला और 2 USB 3.0 पोर्ट। साथ ही इसका जो बैकलाइट होगा, जो इसका कीबोर्ड होगा, वो बैकलिट होने वाला है। तो दोस्तों यही था इसका सारा स्पेसिफिकेशन, यही थे आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक देखते रहिए मेरा ये चैनल डीजी बातें। I'm gonna be the one.